हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ न्यूट्रल आई मेकअप लुक, एंड इस आई लुक को आप क्रिएट कर सकते हैं इस वैलेंटाइंस डे पे। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये आई लुक मैंने किस तरह से क्रिएट किया है तो वीडियो को पूरी देखिएगा, एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये ब्लैक कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ इस पैलेट में से, एंड मैं इससे अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हैं इसलिए मैं ब्लैक आई शेडो का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी आईब्रोज़ ब्राउन है तो आप ब्लैक आई शेडो का यूज़ ना करें। आईब्रोज़ को फिल करने के बाद आईलिड पे जो भी डार्कनेस है उसको हाइड करने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ओलिविया का मेकअप स्टिक। ब्रश की हेल्प से मैंने कंसीलर को पिक किया है एंड उसको अपनी आईलिड पे अप्लाई किया है। उसके बाद मैं इसको एक क्लीन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश। कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद कंसीलर को सेट करेंगे ताकि ये क्रीज ना करे, एंड कंसीलर को सेट करने के लिए मैं ये बनाना कलर का आई शेडो पिक करके अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ पे जो आई शेडो पैलेट यूज़ किया है वो है वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट। कंसीलर को सेट करने के बाद मैं ये ऑरेंज कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से, एंड मैं इसको अपनी आउटर वी पे अप्लाई कर लूँगी, एंड इसको मैं अपनी इनर वी पे भी अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। आई शेडो को मैं इस तरह से ब्लेंड करूँगी, एंड मैं यहाँ पे एक स्टिफ ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आई शेडो को अप्लाई करना है एंड अच्छे से ब्लेंड करना है जब तक आपको आपके डिज़ायर अमाउंट का कलर नहीं मिल जाता। उसके बाद मैं ये ब्राउन कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ, एंड मैं इसको अपनी आउटर वी एंड इनर वी पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि आपका आई शेडो देखने में ब्यूटीफुल लगे। उसके बाद मैं ये शिमरी कलर का आई शेडो पिक कर रही हूँ, एंड मैं इसको अपनी मिडल आईलिड पर अप्लाई करूँगी, एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फ्लैट ब्रश का। नेक्स्ट मैं ये ब्राउन कलर का आई शेडो पिक करके अपनी लोअर लैश लाइन को स्मज आउट करूँगी। नेक्स्ट मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYBA का काजल। उसके बाद मैं लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैं यहाँ पे एक विंग आईलाइनर अप्लाई करूँगी, एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैकमे का इंस्टा लाइनर। ब्राउन कलर के आई शेडो को पिक करके मैं फिर से अपने काजल को स्मोक आउट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं ये शिमरी कलर का आई शेडो पिक करके अपने ब्राउन्स एंड इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का द हाइपर कल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड मैंने किन किन प्रोडक्ट का यूज़ किया है इन सब की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।